हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस को लेके, ब्रिक्स पिलानी से मास्टर्स करने का कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा, और अगर किसी नए बंदे को ब्रिक्स पिलानी से WILP प्रोग्राम के अंडर कोई मास्टर्स डिग्री करनी है तो उसे किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी है, एग्जाम्स कैसे होते हैं, डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, और सारी चीजें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना डिले किए हुए। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री की ब्रिक्स पिलानी से। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले WILP होता क्या है, उसका यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी फीस लगती है, एग्जाम्स कैसे कैसे होते हैं, कितना टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा एक्चुअल में, दैट मीन्स कि कितने घंटे की क्लासेज होंगी और आपको कितनी देर पढ़ना पड़ेगा, और फाइनली जो आपको लास्ट में जो आपको डिग्री मिलती है वो रिकग्नाइज है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं WILP की। WILP बेसिकली है क्या? WILP बेसिकली इज ये एक वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। सो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, ये स्पेशली ब्रिक्स पिलानी ने उनके लिए प्रोग्राम चलाया हुआ है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है WILP। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली अगर मुझे मास्टर्स में, मैं स्पेसिफिकली ज़्यादा डिटेल मास्टर्स एमटेक की देने वाला हूँ, सो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपको बेसिकली आपको एटलीस्ट 1 साल का एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास BE, BTEC, MCA या MSc या इनके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में आपके एटलीस्ट 60% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप जब इनके फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं और जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो फिर इंस्टीट्यूट अपनी कुछ पैरामीटर्स के बेस पे एक प्रोफाइल को एवेलुएट करते हैं एंड दे फाइंड सुटेबल, वो आपको कॉल करते हैं आगे फर्दर एडमिशन के प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट मूव हम करते हैं, फीस कितनी लगती है। फीस दोस्तों लगती है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, नॉमिनल फीस है आज के टाइम के हिसाब से अगर देखी जाए तो। शुरू में सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके साथ आपको 1500 रुपये की फीस देनी है जो कि वन टाइम है। उसके बाद अगर आप एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हो, फिर इंस्टीट्यूट आपको कॉल करता है, और अगर आप सेलेक्टेड होते हो एडमिशन के लिए तो आपको वन टाइम 1650 रुपये एज एन एडमिशन फी देना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर मैं एमटेक की बात कर रहा हूँ, डेटा साइंस इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकली, तो इसमें फीस है 60,500 रुपये, 60,500 रुपये। मेरे टाइम पे थोड़ी सी कम थी, ये 55,000 थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई है, बट आई स्टिल से कि ये बहुत ज़्यादा फीस नहीं है कंसिडरिंग इतनी फीस तो आजकल हम नर्सरी के बच्चे को दे देते हैं, नर्सरी वाले बच्चे के लिए दे देते हैं। और तो टोटल रफली अगर आप इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 2,60,000 रुपये बनते हैं। तो 2,60,000 रुपये में अगर कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपके जॉब के साथ अगर आपको कोई डिग्री दे रहा है, तो मुझे तो वो घाटे का सौदा नहीं लगता है। आपको 2,60,000 के अलावा थोड़े बहुत और अलग से खर्चे करने पड़ सकते हैं, जैसे कि बुक्स खरीदनी है या फिर इधर उधर से कोई, जैसे कोई लर्निंग मटेरियल लेना है, दैट्स इट। तो बट फॉर श्योर आपका जैसे 3 लाख से कम ही रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्स कैसे होते हैं, बेसिकली मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। मैंने 2020 में एडमिशन लिया था, जैसे ही कोरोना आया था, तो 2020 से पहले मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो हैं इनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स रहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स वहाँ पे होते थे ऑफलाइन में, लेकिन उसके बाद से दोनों मोड अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो अगर आप ऑनलाइन ऑप्ट करते हैं तो आप घर से बैठ के, ऑफिस से बैठ के, कहीं से भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, और अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो ऑफलाइन एग्जाम देना, तो आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, उनके डेजिग्नेटेड सेंटर्स रहते हैं। मेजर सिटीज में हैं जैसे बेंगलोर में है, मुंबई में है, दिल्ली NCR में है, हैदराबाद में है, हर जगह है, मेजर ऑफ द सिटीज कवर्ड।
ठीक है, सारे एग्जाम्स मेजरली आपके हमेशा वीकेंड्स पे रहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है ये फुल कोर्स जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो मंडे टू फ्राइडे बाय डिफॉल्ट उनका ब्लॉक्ड रहता है, तो कब कोई भी एग्जाम आपका जो है वीकडे में नहीं होगा, हमेशा एग्जाम वीकेंड्स पे ही होंगे। और जैसे ड्यूरिंग द कोर्स कोई क्विज है, असाइनमेंट है, वो कभी कभार वीकडे पे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, आपका कोर्स कैसा है या किस सब्जेक्ट का क्या है, वो वेरी करता है, बट मोस्टली जो मिड सेम एग्जाम है और फाइनल एग्जाम्स होते हैं वो हमेशा वीकेंड्स पे ही होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि हमें एज ए वर्किंग प्रोफेशनल कितना टाइम इसमें स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ और पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कहाँ से कितना कितना टाइम आपको फैकल्टी स्पेंड करेगी आपके ऊपर, कितना टाइम आप लैब में रहेंगे या कितना टाइम आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीकेंड क्लासेस रहती हैं, तो या तो आपकी क्लास सैटरडे को होगी या तो आपकी क्लास संडे को होगी, तो किसी भी एक दिन आपकी क्लास होगी। और जनरली एमटेक डेटा साइंस में हर सेमेस्टर में चार सब्जेक्ट होते हैं, तो हर क्लास जो होती है वो 2 घंटे की होती है, तो 8 घंटे की क्लास होती है, यानी कि आपका या तो सैटरडे या तो संडे फुल पैक्ड रहेगा, सुबह के 10 से जनरली शाम के 6 बजे तक। तो वीकेंड क्लासेस आपकी हर हफ्ते 8 घंटे की क्लास होगी, तो महीने में 18 × 4 = 32 आवर्स हो गए, ठीक है। ये आपके ऊपर फैकल्टी आपको क्लासेस में पढ़ाने का लेगी इतना टाइम महीने का। जनरली हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की एक प्रैक्टिकल क्लास या लैब भी बोल सकते हो वो होता है, वो रफली 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, और डिपेंडिंग अपॉन वो वेरी करता है। तो मैंने रफली यहाँ पे 1 घंटा लिया है, तो अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट की 4 घंटे हो गए, तो महीने में रफली 16 घंटे आपके जो है लैब के हो गए। तो टोटल जो आपके ऊपर फैकल्टी टाइम स्पेंड करेगी, बेसिकली 32 आवर्स + 16 आवर्स का जो है वो हो गया 48 आवर्स, यानी कि फैकल्टी जो है बिट्स पिलानी की फैकल्टी आपके ऊपर 48 घंटे रफली जो है आपके ऊपर स्पेंड कर रही है पढ़ाने के लिए। अब उन्होंने तो पढ़ा दिया, अब उनके पढ़ाने के बाद आपको भी तो वो चीजें रिवाइज करनी है, असाइनमेंट्स करने हैं, या कुछ सीखना है, उन चीजों को एक्सप्लोर करना है, खुद से करके देखना है, तो उसमें आपका भी टाइम जाएगा, उसका आपका अलग से जो सेल्फ स्टडी का टाइम है या जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने का, होमवर्क करने का जो टाइम है, वो मैंने रफली एज एन एवरेज स्टूडेंट मैंने लिया है 1.5 आवर्स, यानी कि अगर आपको टीचर आपको या प्रोफेसर लेक्चरर आपको 1 घंटा पढ़ा रहा है, तो रफली आपको वो 1 घंटे में उन्होंने जो पढ़ाया है उसको कवर करने के लिए आप ऊपर से 1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं, तो रफली आपका 48 × 1.5 यानी कि 72 आवर्स आपको देने हैं खुद से, मतलब कि 48 आवर्स फैकल्टी ने आपके ऊपर लगाए और 72 आवर्स रफली जो 48 आवर्स में उन्होंने सिखाया है, तो 72 आवर्स आपको रफली लगाने पड़ेंगे। तो टोटल ये टोटल बन गए 120 घंटे, 120 आवर्स पर मंथ के, और मैं अगर पर डे का निकालूं तो रफली जो ये फिगर निकल के आता है 4 घंटे का। तो दैट मीन्स कि अगर आप हर रोज के सारी चीजों को देखते हुए हर रोज के 3 से 4 घंटे निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये कोर्स जो है। तो 4 घंटे की आप एवरेज मान के चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत जगह पे ये पूछा गया कि डिग्री क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, वीकेंड पे क्लासेस होती हैं, फुल टाइम कोर्स नहीं है, तो क्या डिग्री रिकॉग्नाइज है कि नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री UGC अप्रूव्ड है एंड ऑन इंटरनेशनल लेवल एज वेल WES रिकॉग्नाइज्ड भी है। जिन व्यूअर्स को ये नहीं पता कि WES क्या होता है, WES बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, जो कि बेसिकली इवेल्युएट करती है, आप कोई भी अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट देंगे बेस्ड ऑन द कंट्री, लेट से मुझे कनाडा इमिग्रेट करना है तो मैं WES से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को इवेल्युएट करवाऊंगा और वो मुझे बताएंगे कि हाँ ये मास्टर्स के बराबर है कि नहीं है, बैचलर्स के बराबर है कि नहीं है। तो मैंने खुद अपनी डिग्री जो है WES से इवेलुएट करवाई थी और ये मास्टर्स के बराबर ही कंसीडर की जाती है, तो डिग्री में कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद लास्ट में मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है तो इसमें अलग से इंस्टीट्यूट की साइड से कोई भी जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया जाता है,
आपको खुद से ही करना है जो भी करना है, जॉब अगर आपको पर्टिकुलर फील्ड में, उस फील्ड में आपको अगर जॉब चाहिए तो वो आपको खुद से ही करना है, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर आई थिंक फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप रॉकिंग गाइस, थैंक यू, बाय।